तो मैं लग गई काम में 7:15 बजे हैं, बेटा गया है 7:30 बजे, और भद्दे कपड़े पहन लिए मैंने। भद्दे कपड़ों से ही मैं ये वाले काम करती हूँ, क्योंकि बहुत गंदे हो जाते हैं कपड़े, फिर वापस नहा के फिर बदल लेती हूँ। और सुबह तो मैं नहाती हूँ जल्दी, क्योंकि कार्तिक का महीना है, तो सुबह मैं नहा ली थी, शिप्रा के यहीं नहा लेती हूँ, और आके फिर तुलसी जी में मैंने दीपक जलाया, उसके बाद चाय नाश्ता किया। और क्षितिज गया है, और एकदम जाते ही कोई काम में नहीं लगते हैं, इसलिए अब पहले गाउन पहन रखा था, फिर मैंने कहा भद्दे कपड़े पहन लो। फिर मैंने ये पहने, और क्योंकि मुझे बाहर भी निकलना पड़ता है, तो चुन्नी उन्नी डाल के बाहर निकलती हूँ सफाई करने के लिए, तो मैंने ये कपड़े पहने। और अब देखिए इतना फैल रहा है कि अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कर लूंगी, धीरे धीरे कर लूंगी सब। क्षितिज बोल के गया है कि मैं करवा दूंगा, मम्मी अभी आ जाऊंगा, लेकिन मैं सोची थोड़ा तो शुरू करूं, वो भी थका हुआ आता है। तो मैंने क्लिप नहीं बनाई, जमाने की नहीं बनाई किचन को, सुबह से लग रही थी मैं, और मैं 2:30 बजे मेरा ये जो है काम हुआ पूरा, और अब 4:30 हो गए। मैंने चाय बनाई, बीच में मैं सो गई एक बार, कपड़े वपड़े नहीं बदले, इतनी थक गई, पहले अब चाय पीऊंगी और थोड़ी बहुत दिखा देती हूँ आपको कि जम चुकी है सारी, बाकी बर्तन पड़े हैं अभी खूब सारे सिंक भरे हुए हैं। तो हर छोटी छोटी चीज को जमाने में बहुत परेशानी आती है, क्योंकि हम जब उठा के रखते हैं चीजों को, तो चाय जहाँ रख देते हैं, और जब वापस जमानी होती है तो बहुत दिक्कत आती है। जैसे छोटे छोटे हमाम दस्ता है, ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, फिर भी बहुत कुछ जमा दिया, आलतू फालतू का कुछ सामान डाल दिया अंदर। देखिए यहाँ पे भी डाल दिया, अभी ये धोना है मुझे डिब्बा, और यहाँ पे बहुत सारा सामान मैंने डाला है, यहाँ पे और मैंने अखबार लगाए हैं। वैसे मैं वो जो आटे की थैली है वो लगाती हूँ, अभी मैंने बार लगा दी है, बहुत सा छोटा छोटा सामान इसमें से काफी हो गया था, वो सब फेंक दिया। इसमें टिफिन वगैरह सब रख दिए हैं, सुबह जरूरत होती है, छोटी छोटी डब्बियां वगैरह मिलती नहीं है, इसमें तो मैं ही प्लेट रखती हूँ, बाकी सारा मैंने ऊपर से जमा लिया था। इसमें भी अभी मैंने अखबार सारे लगा दिए, ये आटे की टंकी है जिसमें आटा रखा, और ये भी एक टंकी है जिसमें कई सामान ऐसे हैं जो बच जाते हैं, डब्बों में भरे नहीं जाते वो सामान। सामान ऐसा है जो मुझे अभी धोना भी है, उसको मैंने ऐसी जगह रखा है जैसे मैं निकालूं झट से और धो लूं, तो धोऊंगी, क्योंकि अभी एक बार मेरे को जमानी थी किचन, ये सारा स्प्रे हो चुका है, और इससे भी क्या है कुछ तबीयत खराब हो रही है, सिर में दर्द हो गया, क्योंकि इसकी जो बदबू होती है ना वो बहुत तेज होती है, महक बोलो चाहे, महक तो नहीं बोल सकते हम इसको, बदबू ही बोलेंगे, जहर होता है इसमें, तो इसका थोड़ा सा दिमाग में चढ़ जाता है। हमारे मिस्त्री जी बता रहे थे कि कई औरतें तो बेहोश हो जाती हैं, तो बेहोश तो नहीं हुई मैं, लेकिन अब मेरा सिर चढ़ रहा है, और तो काम किए जा रही हूँ और हो गया। तो किचन को फैलाना एक बहुत बड़ा टास्क है, जो एक महिला एक औरत के लिए बहुत ही बड़ा काम है, उसको फटाफट से कर लेना चाहिए।
क्योंकि वो वापस जमाने में बड़ी दिक्कत होती है। किचन की सफाई करना बहुत बड़ा टास्क है। चलो चाय पीते हैं। तो चलिए चाय पीते हैं और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कल से नई वीडियो बनाऊंगी दूसरी, या तो किचन टिप्स बनाऊंगी या और कोई वीडियो बनाऊंगी। और अभी शिप्रा की शादी की तैयारी वगैरह तो कुछ है नहीं, बस थोड़ी बहुत साड़ियाँ थी वो ले आई है, और बाकी जब उसकी शादी होगी तब आपको वीडियो मिलेंगे और आएंगे।